क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार सब लोग आंसर वेरीफाई करेंगे तो फिर हम लोग न्यू रेशियोज पे आगे बढ़ेंगे। सेल्स 6 लाख, उसमें से माइनस किया COGS, COGS है, एक सेकंड, COGS 325 है, तो 6 लाख माइनस 325 तो जीपी मिलेगा 275, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक डेप्रिसिएशन, कैसी तो बेटा मेरे को डेप्रिसिएशन है 48,000, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 75,000, सेल्स एक्सपेंस है 52,000, तो 1,75,000 माइनस करेंगे बेटा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मुझे मिलेगा 1 लाख का, बराबर। तो जीपी रेशो आना चाहिए 45.83, ऑपरेटिंग रेशियो 83.33, बराबर है, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 16.67 है बेटा। एनपी रेशियो चेक करो, सेल्स है आपका 6 लाख माइनस सीओजीएस 325, मतलब जीपी आया 275, प्लस आपका इनकम 45,000 माइनस एक्सपेंसेस में 35,000 प्लस 48,000 प्लस 75,000 प्लस 52,000 प्लस 85,000, तो 295,000, बराबर है बेटा। तो 275 प्लस 45 माइनस 295 तो बचा 25,000 माइनस टैक्सेस 30% 7,500, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 17,500, बराबर है बेटा। तो नेट प्रॉफिट रेशियो आएगा 2.92%। डन है, नेक्स्ट हो रहा है खुशबू। 6th वाले में ओके गॉट इट, मिस्टेक कहां पे ना मुझे पता चल गया बेटा, बेटा सेल्स है ना 39 लाख है, आप लोगों ने सीओजीएस सबने 25 लाख लिया होगा, सही हूं मैं, 27 लाख, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम में हम वेजेस को प्लस करते हैं बेटा तब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलता है, डन है बेटा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा आपका 27 लाख एंड देन बाकी सब कंटिन्यू, ओके डन। तो इसका किसने किसने 27 लाख लिया है, क्या चीज, चारों का आंसर बोल दो बेटा फटाफट। भाई करेक्ट है 30.77, ओके नेक्स्ट ऑपरेटिंग, ओके नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 23.08%, ओके नेक्स्ट एनपी रेशियो 18.31, भाई वेरीफाई कर लिया सबने बच्चों, एनपी गलत है, देखो सेल्स है 39 लाख माइनस 27 लाख का सीओजीएस तो बचा 12 लाख, 12 लाख में हमारी इनकम है 1 लाख माइनस एक्सपेंसेस है 75 प्लस 40, एक मिनट बेटा, सीओजीएस सबका गलत है, सीओजीएस सबका गलत है, क्यों, क्योंकि फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो है ना बेटा वो भी हमारे सीओजीएस में प्लस हो जाएंगे, सो योर सीओजीएस विल बी 25 लाख प्लस वेजेस का 2 लाख प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस का 50,000, तो आपका सीओजीएस हो जाएगा 27,50,000, करेक्ट हो बेटा मैं, क्योंकि फैक्ट्री एक्सपेंस है ना बेटा, फैक्ट्री एक्सपेंस हमेशा इट इज रिलेटेड टू परचेज, तो वो उसमें एड हो जाएगा बेटा, तभी सीओजीएस मिलेगा, ठीक है। तो सेल्स इज 39 लाख माइनस सीओजीएस इज 11,50,000, ये आपका जीपी आ जाए, है ना बेटा। तो अब आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, सेल्स एक्सपेंस है 75 प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 175, दैट्स इट, 2,50,000 आपके हो जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डन है बेटा। अब उसके अकॉर्डिंगली सब चेंज कर देना बेटा, डन बेटा, अब उसके अकॉर्डिंगली सब लोग चेंज कर देना। अब हेडिंग दे दो बेटा बी, फॉर्मूला जहां पे लिखी है वहां पे आ जाओ बेटा,
Students, students, अब हम लोग बी पार्ट शुरू कर रहे हैं। रेशो के अंदर चार अलग अलग तरीके के रेशो आते हैं, जिसमें पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग नंबर टू शुरू कर रहे हैं, लिक्विडिटी रेशो। हेडिंग दो बेटा, नंबर टू लिक्विडिटी रेशो। जहां जगह छोड़ी थी वहां लिखेंगे बेटा लिक्विडिटी रेशो। स्टूडेंट्स, लिक्विडिटी का मतलब होता है जितना हमारे पास पैसा अवेलेबल है। लिक्विड, लिक्विड मतलब कैश, जितना कैश आपके पास अवेलेबल है ना, उसको हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। इसमें वापस आ जाओ बेटा, पार्ट चले गए, आगे वापस आ गए बेटा। तो स्टूडेंट्स, लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है कि जो लिक्विड, जो पैसा हमारे पास अवेलेबल है। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर दो फॉर्मूलाज आती हैं। पहली फॉर्मूला आती है करंट रेशियो, जिसकी फॉर्मूला होती है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। दूसरा इसी के अंदर रेशियो आता है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला होती है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। हाउ यू विल फाइंड आउट लिक्विड असेट्स? तो फॉर्मूला ऑफ लिक्विड असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस माइनस प्री माइनस उल्टा लिख दिया आउटस्टैंडिंग इनकम माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर बेटा मैं ये दोनों फॉर्मूलास फटाफट लिख दो बेटा, हम लोग सम शुरू करेंगे। मेक इट फास्ट। बच्चों फॉर्मूला लिख दी सबने? ऑल उर्वेश लिख दी फॉर्मूला है? जल्दी जल्दी
सबने लिख दिया, ऑल बॉयज पीछे, स्टूडेंट्स टेक आउट पेज नंबर 224, टेक आउट पेज नंबर 224, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 ध्यान से देखना बेटा, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ पी कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट करंट रेशियो। स्टूडेंट्स करंट रेशियो की फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब उसके लिए मुझे दो चीजें फाइंड करनी पड़ेगी बेटा, पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा करंट असेट्स और फिर मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा करंट लायबिलिटी। अब बेटा हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन सी करंट असेट है कौन सी करंट लायबिलिटी है। सबसे पहले डेटर्स, डेटर्स करंट, देखो बैड डेट रिजर्व है क्या बेटा, क्योंकि वो माइनस करना पड़ेगा है ना, तो 180 माइनस 10,000, तो डेटर्स में लिखेंगे 170,000। डेटर्स के बाद नेक्स्ट क्या है बेटा, बिल्स रिसीवेबल अमाउंट बच्चों 20, फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल के बाद बैड डेट रिजर्व हो गया स्टॉक करंट असेट्स 30 ना बच्चों, ओके स्टॉक के बाद कैश, कैश कितना है बेटा 45, फिर कैश के बाद मशीन, मशीन अपनी क्या होती है फिक्स्ड एसेट। यहाँ पे नहीं लिखेंगे एग्जाम में, ऐसा कंफ्यूज करने के लिए देंगे बेटा, हमको कंफ्यूज नहीं होने का, ये चीज का ध्यान रखने का ठीक है। मशीन नहीं आएगा, फर्नीचर वो भी फिक्स्ड एसेट नहीं आएगा, बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी, तो यहाँ लिखेंगे बिल्स पेएबल कितना है बच्चों 20 ना। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन कितना अमाउंट है बेटा 19। अच्छा अगर शॉर्ट टर्म लोन की जगह लॉन्ग टर्म लोन होता तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते। शॉर्ट टर्म लोन के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी कितना बड़ा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस चलो अब इनका टोटल करो, करंट असेट देखो कितना आ रहा है और करंट लायबिलिटीज कितनी आ रही है बेटा, कितनी लायबिलिटी 1,37,500 करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स 275 अपॉन करंट लायबिलिटीज 1,37,500 2:1 ऐसा लिखने का इसको। स्टूडेंट्स एग्जाम में कई बार एमसीक्यू आता है डैश इज द स्टैंडर्ड करंट रेशियो, डैश इज द स्टैंडर्ड करंट रेशियो, स्टैंडर्ड करंट रेशियो इज 2:1। किसी भी कंपनी का अगर करंट रेशियो 2:1 के नीचे है इसका मतलब वो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। जिस कंपनी का करंट रेशियो 2:1 के ऊपर है मतलब वो कंपनी बेटर है, उस कंपनी में पैसा लगाना एडवाइजेबल है। मैं क्लियर हूं बच्चों सब लोगों को बेटा। अब मुझे दूसरा क्या फाइंड आउट करना है बेटा, लिक्विड रेशियो। क्वेश्चन में बोला नहीं है, मैं करवा देता हूं फिर आपको मैं सम देता हूं, आप लोग प्रैक्टिस करो। अब लिक्विड रेशियो की बच्चों मैंने फॉर्मूला क्या लिखी, लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अपना लिक्विड असेट्स कैसे मिलेगा, करंट असेट्स 2,75,000 लिखो कैलकुलेटर पे 2,75,000 माइनस क्या करना है इसमें से बच्चों स्टॉक, स्टॉक कितना है 30,000 माइनस करो 30,000 माइनस क्या करना है आउटस्टैंडिंग इनकम है बेटा, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इनकम नहीं, माइनस करना है प्रीपेड एक्सपेंस है यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस नहीं, कितना अमाउंट आया 2,00,000
45,000 divided by current liability, which is 1,37,500. 1.78 ऐसा बोला जाता है. पॉइंट के बाद कभी भी बेटा 78 नहीं बोलते, 78 बोलते हैं हमेशा. इस टू वन. नाउ इसका भी एमसीक्यू आता है. डैश इज द स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो. सो स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो इज 1:1. अगर किसी भी कंपनी का लिक्विड रेशियो 1 से ऊपर है तो उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना एडवाइजेबल है. अगर 1 के नीचे है तो उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना एडवाइजेबल नहीं है. मैं क्लियर हूं बच्चों सब लोगों को बेटा? किसी को कोई कंफ्यूजन? फटाफट ये सम कंप्लीट करो बेटा. और ये सम कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है सुन लो. मैंने एग्जाम्पल 11 कराया, एग्जाम्पल 12 नोट डाउन करो बेटा. एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 15 अभी करना है बेटा. स्टूडेंट फॉर्मूला में एक फॉर्मूला और लिख दो बेटा. वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला होती है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. अब बेटा सम करना शुरू करो. सर इसका फोटो भी
के लिए लिक्विड एसेट की फॉर्मूला क्या लिखी है बेटा? करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सॉरी माइनस आउटस्टैंडिंग इनकम माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो जब आप लिक्विड रेशियो फाइंड करो, उसमें लिक्विड एसेट फाइंड करो, तो करंट एसेट में से ये सब चीजें माइनस कर देंगे, तो आपको लिक्विड एसेट्स मिलेगा। बच्चों सेस ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, सेस इज टैक्स रिलेटेड टू गुड्स, इसीलिए वो ट्रेडिंग के डेबिट में आता प्रीपेड एक्सपेंस इज अ करंट एसेट। बेटा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज अ करंट लायबिलिटी। हमारे पास 10 ग्राम है तो 10 ग्राम ही चलाओ बेटा, उसको 50 ग्राम में कन्वर्ट नहीं करो बेटा। आपको फॉर्मूला लिख के दिए बेटा, सीधा सीधा फॉर्मूला में जो रख रहे हैं उसको भी एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहा हूँ, डेटा जो ये सब।
सब फॉर्मूला अप्लाई करो, ज्यादा मत चलाओ, हैंग हो जाएगा मगर बड़ा स्पीड रखो। करंट लायबिलिटी